हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम विश्वदीप सर। एक बार फिर से आप सभी लोग का बायो एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच आए हैं। आज हम लोग चर्चा किया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स या फिर एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, BSc सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। खास करके इसमें या तो मिड टर्म एग्ज़ाम होना या तो सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम फाइनल यूनिवर्सिटी का, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी आज की। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम डेली इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म एंजाइम वॉज क्वाइन बाई बचनर है, बी समनर, सी कोहने एंड नॉर्थरॉप। इसका करेक्ट आंसर होगा कोहने। कोहने ने सबसे पहले एंजाइम के बारे में टर्म दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो यहाँ हम बात करेंगे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दोनों ही सेम स्टेटमेंट लिखा गया है यहाँ पे। तीसरा देखते हैं, सम एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट दोनों स्टेटमेंट सेम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यहाँ पे बात होगी एक 3 है, बी 4 है, 2 है एंड 5 है। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका 4 होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन से, तो ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, 4 आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं हीमोग्लोबिन से और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज। सुक्रोज से मिलता है हमें, स्टार्च से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है या फिर फैट से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर सी, ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट, जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रैनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर सी, लिम्फोसाइट्स होगा। क्यों? क्योंकि ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स आता है एंड मोनोसाइट्स आता है, तो मोनोसाइट्स यहाँ है नहीं, लिम्फोसाइट्स है, तो इज करेक्ट आंसर लिम्फोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स की बात करेंगे तो वहाँ न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइफ स्पेन ऑफ RBC, RBC का जीवन काल कितना होता है? 130 डेज, 120 डेज, 10 डेज, 2 डेज। तो इसका जो हम देखेंगे करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर बी, 120 डेज होता है लाइफ स्पेन ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्रिएटिन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, ट्राईपेप्टाइड होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है या फाइब्रस प्रोटीन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी, फाइब्रस प्रोटीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट है इसमें रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा? टाइप ऑफ बेसिस इन DNA आर मोस्ट देन इन RNA, इन DNA डी ऑक्सीराइबोज शुगर इज फाउंड, सी है यूरेसिल इज फाउंड इन RNA, डी इन DNA एडिनिन कंबाइंड विद थाइमिन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर होगा इसका ए, करेक्ट आंसर ए, टाइप्स ऑफ बेसिस इन DNA आर मोर देन इन RNA, इट्स करेक्ट आंसर, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है? क्योंकि DNA पाया जाता है, डीऑक्सीराइबो शुगर में DNA पाया जाता है, RNA के केसेस में यूरेसिल पाया जाता है ऑन द प्लेस द थाइमिन के प्लेस पे,
यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के केसेस में, तो ये भी करेक्ट आंसर है। इन डीएनए एडिनिन कंबाइंड विथ थायमिन, जब डीएनए के केसेस में एडिनिन जो है थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड के साथ बाइंड होता है, तो तीनों करेक्ट आंसर हैं, ये तीनों करेक्ट आंसर हैं। जो रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 8 का ए, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गोइटर इज ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से होता है? टायरोसिन के डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है, आयोडीन के डिफिशियंसी से होता है, जीटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। मैंने क्लास में पढ़ाया था तो बताया था आपको कि आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सी होती है? पैनक्रियाज होती है, लीवर होती है, पिट्यूटरी होती है, थायराइड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी, लीवर जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यूरिया साइकिल आल्सो कॉल्ड एज, यूरिया साइकिल को हम कहते हैं क्रेब साइकिल कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, क्रेब हैंसलेट साइकिल कहते हैं, बोथ बी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑर्निथिन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं, द फूड दैट इंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड, काइल होता है, काइम होता है, फंडस होता है, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ये, इसका करेक्ट आंसर बी काइम होगा, क्योंकि कंडीशन ये होती है कि जब आप फूड लेते हैं माउथ माउथ बकल कैविटी में, तो वो फूड जो है मिक्स, उसका मिक्स होता है किसके साथ? सलाइवा के साथ। जब फूड का मिक्सिंग सलाइवा के साथ हुआ तो वह बोलस कहलाता है। अब वही बोलस जो है आपके ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है, वही बोलस स्टमक में आता है किसके? ओसोफेगस के रास्ते से। अब स्टमक में आया तो गैस्ट्रिक जूस के साथ, फिर वही बोलस जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सिंग होता है, और फिर वह गैस्ट्रिक जूस और बोलस जो मिक्स होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, इसको हम काइम कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो बोलस है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होकर के स्टमक से इंटेस्टाइन में आया तो क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं, अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड नॉट बी फंक्शनिंग। कह रहा है कि इसमें जो एक पर्सन जो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से सफ़र कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है, कमी हो रही है बॉडी में, तो बॉडी में वो कौन सी ग्लैंड है जो फंक्शन में नहीं है? पैरोटिड ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है। इसमें हमने आपको बताया था पैराथायराइड ग्लैंड्स, इसमें जो है कैल्सिटोनिन हार्मोन का रिलीजिंग होता है और जो कि कैल्शियम को रेगुलेट कराता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इन मैन द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 9 मीटर, 9 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल होता है एक एडल्ट मैन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B1, जिसे हम बायोलॉजिकल नेम थायमिन के नाम से जानते हैं, इसका क्या रिच सोर्स क्या है? कॉड लीवर ऑयल, एग्स है, होल व्हीट ब्रेड है, कर्ड है। इसका करेक्ट आंसर होगा होल व्हीट ब्रेड, दिस इज द करेक्ट आंसर होल व्हीट ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है विच पेयरिंग इज नॉट करेक्ट, जो स्टेटमेंट इसमें लिखा है इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है? थायमिन जो है बेरी बेरी डिजीज का आज होता है इसकी कमी से, इट्स करेक्ट है। विटामिन डी से रिकेट डिजीज का आज होते हैं, ये भी करेक्ट है। नियासिन से पैलेग्रा होता है, ये भी करेक्ट है। विटामिन के से स्टेरिलिटी होती है, दिस इज द, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के से स्टेरिलिटी नहीं होता है, तो ये जो है डी इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
17 में द टर्म विटामिन वाज गिवेन बाई, विटामिन वाज द टर्म विटामिन वाज गिवेन, विटामिन का टर्म सबसे पहले किसने दिया था? जेम्स लैंड ने दिया था, फंक ने दिया था, स्टार्लिंग ने दिया था, कैल्विन ने दिया था। दिस इज करेक्ट आंसर है बी, सबसे पहले फंक ने दिया था विटामिन को, टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आगे देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज्ड इनटू, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ रिलीज होता है? हमने बताया था इलियम है, ड्योडिनम है, जियोजिनम है, स्टमक है। हमने कहा था जो पैनक्रियाज है उस स्टमक के कर्व ऑफ ड्योडिनम में पाया जाता है, और उसका पैनक्रियाटिक डक्ट जो है उस ड्योडिनम में आकर के ओपनिंग होता है, जो ट्यूब है, जो डक्ट है। तो जैसे ही ये सिक्रीस कर, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है तो डक्ट से होते हुए वह ड्यूओडेनम में आकर के ओपनिंग होती है, ड्यूओडेनम में पहुंचते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यूओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट इन द बोथ ऑफ द लंग्स ऑफ मैन इज, इसमें कह रहा है एक मैन में दोनों लंग्स में ही एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 30 लाख होती है, 30 मिलियन होती है, 400 मिलियन होता है, 300 मिलियन होता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 300 मिलियन होता है, करेक्ट आंसर 300 मिलियन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट हर्ट साउंड इज, सबसे पहले हर्ट का साउंड क्या होता है? लब डब करके जो आवाज़ आती है उसमें पूछा, पहला साउंड लब होता है, डब होता है, क्या होता है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, ए है लव साउंड एंड लव साउंड एट एंड ऑफ सिस्टोल, बी है डब और डप साउंड एट द एंड ऑफ सिस्टोल, सी है लव साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डी है डब साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सी करेक्ट आंसर होगा, लव साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय, बताइए मैंने पढ़ाया हुआ है इसको, प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस एलाटा से, कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस एल्विकॉन से और कॉर्पस कोलोजम से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर है, कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी, एडल्ट मैन में नॉर्मल बीपी कितनी होती है? 100/18 mm/Hg, 120/80 mm/Hg, 100/120 mm/Hg एंड 80/120 mm/Hg। इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर बी, 120/80 mm/Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है ग्लाइकोसूरिया इज कंडीशन वेयर अ मैन, एक मैन में अगर ग्लाइकोसूरिया देखने को मिल रहा है, सिम्टम आ रहा है, ग्लाइकोसूरिया हो गया है, उस केसेस में क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? ईट्स मोर शुगर, एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन, शुगर इज एक्सक्रीटेड इन फेसेस, हैज लो शुगर लेवल इन ब्लड। मैंने बताया था कि जब ग्लाइकोसूरिया होता है तो कंडीशन ये होती है कि यूरिन में जो है कि मोर ग्लूकोज का रिलीजिंग होने लगता है, पास आउट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर बी, एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन, यूरिन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शुगर ग्लूकोज पास आउट होने लगते हैं, कीटोन यूरिया में कीटोन बॉडी जो है कि यूरिन के साथ बाहर निकलने लगते हैं, पास आउट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इंसुलिन, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हाइपरसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर में तो हमने बताया था कि एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से, पोस्टीरियर यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस लोब से ADH या वैसोप्रेसिन हार्मोन का रिलीजिंग हो रहा था। ये जो है कि हमारे बॉडी में क्या कर रहे थे, जैसे ही इनका लो सिक्रेशन होता है तो ये डायबिटीज इंसिपिडस काज कर रहे थे, और जैसे इंसुलिन की कमी होती है तो वहाँ पे जो डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर सी, हाइपोसिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25।
साइनोवियल फ्लूड इज फाउंड इन, साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है क्रैनियल कैविटी में, स्पाइनल कैविटी में, इमोवेबल ज्वाइंट्स में, फ्रीली मोवेबल ज्वाइंट्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीली मोवेबल ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, ह्यूमन बॉडी का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है कितने वर्टिब्रल कॉलम से बना होता है, इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। 33 वर्टिब्रेट, 52 वर्टिब्रेट्स हैं, 45 वर्टिब्रेट्स, 23 वर्टिब्रेट्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 वर्टिब्रेट से जो है कि वर्टिब्रल कॉलम बना होता है एक मैन का। करेक्ट आंसर ए 33 वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। विच ग्लोब्यूलिन्स एक्ट एज एंटीबॉडी, कौन सा ऐसा ग्लोब्यूलिन्स है जो कि एंटीबॉडी का काम करता है। हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये जो है काम करता है एंटीबॉडी का, इम्यूनोग्लोबुलिन। जब एंटीबॉडी मैंने बताया था एंटीबॉडी जो क्या करता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि विच फाइट अगेंस्ट द एंटीबॉडी द पावर ऑफ बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द पैथोजन या बैक्टीरिया, उसके क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर क्लास ऑफ एंटीबॉडी मैंने बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, पांच प्रकार के क्लास होते हैं एंटीबॉडी के कह सकते हैं या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के। तो ये जो है कि क्या एंटीबॉडी का काम करते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन द गोनेट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे माइटोसिस ओनली है, मियोसिस ओनली है, ए माइटोसिस एंड मियोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही होगा इसमें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डिवीजन जो होता है गैमिट्स के फॉर्मेशन में, जहाँ पे हम देख पाएंगे प्राइमरी से सेकेंडरी में ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ फेज में जो जाता है, तो यहाँ तक माइटोसिस होता है, फिर अगेन फिर माइटोसिस के बाद मियोसिस स्टार्ट होता है। तो मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड दोनों होता है जो कि आगे चल करके गैमिट का फॉर्मेशन कराते हैं। तो इसमें बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही डिवीजन होगा। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। द जूलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज, जूलॉजिकल नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज, होमोसेपियंस है, कैनिस फैमिलरीज है, पैंथेरा टाइग्रिस है, नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा होमोसेपियंस। दिस इज द करेक्ट आंसर ए होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट परफॉर्म्ड बाई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट परफॉर्म्ड बाई क्या है इसका, गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल इंटेरोकाइनेज, बाइल जूस है, पेप्सिन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बाइल जूस। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो परफॉर्म करता है बाइल जूस के रूप में परफॉर्म करता है। इसका करेक्ट आंसर बाइल जूस। स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो। इसमें जो है जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। इस तरह से अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से जो है नेक्स्ट वीडियो जो है 30-40 क्वेश्चंस के मैं नेक्स्ट डे फिर से लेकर के आऊँगा क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।